हिंदू धर्म में हजारों तरह की साधनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना और योग साधना प्रमुख हैं। ये सभी साधनाएं सिद्धियां प्राप्त करने में सहयोगी होती हैं। वैसे हर एक साधना का कनेक्शन किसी न किसी मंदिर या किसी न किसी आस्था से हमेशा से जुड़ा रहा है। आज की इस वीडियो में हम खजुराहो मंदिर में उपस्थित नग्न मूर्तियों के पीछे के रहस्य के बारे में बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़ती हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मध्य प्रदेश में बना खजुराहो मंदिर कला का अद्भुत नमूना है, लेकिन इस मंदिर को यदि किसी बात से सबसे अधिक जाना जाता है तो उसका कारण है इस मंदिर पर बनी नग्न मूर्तियां। जो भी व्यक्ति इन मूर्तियों को देखता है उसके मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर संभोग की अवस्था वाली मूर्तियों को मंदिर के ऊपर स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि मंदिर को एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इतिहासकारों ने नग्न मूर्तियों को इस मंदिर में स्थान दिया? दरअसल हिंदू धर्म में संभोग या कामसूत्र को अध्यात्म का मार्ग बताया गया है। संभोग और अध्यात्म की इस परिभाषा को समझ पाना हर आम इंसान के बस में नहीं है। खजुराहो के भीतर कई सारे हिंदू एवं जैन मंदिर स्थापित हैं। खजुराहो के मंदिर अपनी अलग ही खासियत की वजह से दुनिया भर में अपनी पहचान स्थापित किए हुए हैं। जहां एक ओर हिंदू धर्म से संबंधित अन्य मंदिर अपने आध्यात्मिक और चमत्कारिक इतिहास की वजह से जाने जाते हैं, वहीं खजुराहो एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी लोकप्रियता का कारण उसकी नग्न और कामुक मूर्तियां हैं। हैरानी की बात तो यह है कि मूर्तियां केवल मंदिर की बाहरी दीवारों पर ही उकेरी गई हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? मंदिर की दीवारों पर ऐसी कामुक मूर्तियों के पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या इसका भी कोई आध्यात्मिक कनेक्शन है या फिर ये मात्र एक कला है? कुछ लोग इन मूर्तियों को पूर्णतः आध्यात्मिक करार देते हैं तो कुछ इसे बेहद कामुक करार देकर इस बात पर जोर देते हैं कि इन मूर्तियों को ढक देना चाहिए। लेकिन स्पष्ट तौर पर ऐसी नग्न मूर्तियों को मंदिर की बाहरी दीवारों के ऊपर उकेरे जाने के कई कारण सामने आते हैं, जिन्हें बेहद प्रभावी मानकर स्वीकार भी किया गया है। सबसे पहली मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि जिस काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था, उस काल में जितने भी राजा महाराजा थे वे सभी भोग विलास का जीवन ही व्यतीत करते थे। उनके भीतर काफी उत्तेजना थी, इस वजह से खजुराहो के मंदिर के बाहर भी ऐसी ही उत्तेजित मूर्तियां बनाई गई हैं। दूसरी मान्यता यह कहती है कि प्राचीन काल में सेक्स संबंधी व शिक्षा देने का कोई सार्वजनिक माध्यम नहीं था। आज तो हमारे सामने इंटरनेट है और टेलीविजन जैसी सुविधाएं हैं, लेकिन पहले ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह केवल सेक्स की शिक्षा देने के लिए बनाई गई मूर्तियां हैं। प्राचीन कला में मंदिर ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां सभी लोग जाते थे, इसलिए यह लोगों तक सेक्स की शिक्षा को पहुंचाने का एक माध्यम बन सकता था। तीसरी मान्यता कहती है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चारों मार्गों को पार करना होता है, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और योग शामिल हैं। यही वजह है कि काम की सही शिक्षा प्रदान करने के लिए खजुराहो के मंदिर के बाहर ऐसी कामुक मूर्तियां उकेरी गई हैं, ताकि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर और आगे बढ़ सके। चौथी और आखिरी मान्यता यह है कि जब खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था तब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, उसका प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस मंदिर के बाहर कामुक मूर्तियों को उकेरा गया। चंदेल शासकों का यह मानना था कि सेक्स एक ऐसा विषय है जिसके प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण रहता है, इसे मंदिर से जोड़ने का अर्थ यही था कि लोग मंदिर यानी हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित रहें। वैसे तंत्र ने सेक्स को स्पिरिचुअल बनाने का दुनिया में सबसे पहला प्रयास किया था। खजुराहो में खड़े मंदिर, पुरी और कोणार्क के मंदिर इसके सबूत हैं। कभी अगर आप खजुराहो जाएं तो उनकी मूर्तियों को ध्यान से देखिएगा, आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। पहली बात तो यह है कि नग्न प्रतिमाओं को देखकर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उनमें जरा भी कुछ गंदा है, जरा भी कुछ अगली है, जरा भी कुछ अश्लील है। नग्न मैथुन की प्रतिमाओं को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ कुरूप है, कुछ गंदा है, कुछ बुरा है, बल्कि इन नग्न प्रतिमाओं को देखकर एक शांति, एक पवित्रता का अनुभव होगा, जो बड़ी हैरानी की बात है। कहा जाता है कि ये प्रतिमाएं आध्यात्मिक सेक्स को जिन लोगों ने अनुभव किया था उन शिल्पियों से निर्मित करवाई गई हैं। उन प्रतिमाओं के चेहरों पर आप एक सेक्स से भरे हुए आदमी को देखें, उसकी आंखें देखें, उसका चेहरा देखें, वह घिनौना, घबराने वाला कुरूप प्रतीत होगा।
उसकी आंखों से एक झलक मिलती हुई मालूम होगी जो घबराने वाली और डराने वाली होगी। चाहे आदमी कितना भी प्यारा हो, लेकिन कोई स्त्री जब सेक्स से भरे हुए आदमी को अपने पास आते हुए देखती है तो उसे दुश्मन दिखाई पड़ता है, मित्र नहीं। प्यारी से प्यारी स्त्री को अगर कोई पुरुष अपने निकट सेक्स से भरा हुआ आता हुआ दिखाई देगा तो उसे भीतर नरक दिखाई पड़ेगा, स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ सकता। लेकिन खजुराहो की प्रतिमाओं को देखें तो उनके चेहरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बुद्ध का चेहरा हो, महावीर का चेहरा हो। नग्न प्रतिमाओं के चेहरे पर जो भाव हैं वे समाधि के हैं। अगर आप सारी प्रतिमाओं को देख लें तो आपके पीछे एक हल्की सी शांति की झलक छूट जाएगी और कुछ भी नहीं, और एक आश्चर्य आपको अपने अंदर अनुभव होगा। आप सोचते होंगे कि नंगी तस्वीरें और मूर्तियां देखकर आपके भीतर कामुकता पैदा होगी, तो मैं आपसे कहता हूं फिर आप देर ना करें और सीधे खजुराहो चले जाएं। खजुराहो पृथ्वी पर इस समय अनूठी चीज है। आध्यात्मिक जगत में उससे उत्तम इस समय हमारे पास और कोई धरोहर उसके मुकाबले नहीं बची है। लेकिन हमारे यहाँ कई नीति शास्त्र और कई ऐसे इंटेलेक्चुअल मिल जाएंगे जो खजुराहो के मंदिर पर मिट्टी डालकर दीवारें बंद करने को कहते हैं, क्योंकि उनको देखने से वासना पैदा हो सकती है। मैं हैरान हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। खजुराहो के मंदिर जिन्होंने बनाए थे उनका ख्याल यह था कि इन प्रतिमाओं को अगर कोई बैठकर घंटे भर देखे तो वासना से शून्य हो जाएगा। वे प्रतिमाएं ऑब्जेक्ट फॉर मेडिटेशन रही। हजारों वर्षों तक वे प्रतिमाएं ध्यान के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती रही। जो लोग अति कामुक थे उन्हें खजुराहो के मंदिर के पास भेजकर उन पर ध्यान करवाने के लिए कहा जाता था। कहा जाता था कि तुम ध्यान करो, इन प्रतिमाओं को देखो और इनमें लीन हो जाओ। अगर इन नग्न प्रतिमाओं को कोई घंटे भर तक शांत बैठकर ध्यान मग्न होकर देखे तो उसके भीतर जो मैथुन करने का पागल भाव है वह विलीन हो जाता है। खजुराहो के मंदिर, कोणार्क और पुरी के मंदिर सारे देश के गाँव में होने चाहिए। जिस भी आदमी का मन सेक्स से बहुत ज्यादा भरा हो वह जाकर इन पर ध्यान करे और वह हल्का लौटेगा, शांत लौटेगा। तंत्रों ने जरूर सेक्स को आध्यात्मिक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस मुल्क के जो नीति शास्त्री हैं उन दुष्टों ने उनकी बात को समाज तक पहुंचाने नहीं दिया। वे मेरी बात भी पहुंचने नहीं देंगे। हो सकता है नीचे आप कमेंट में मुझे गालियां दे रहे होंगे, लेकिन कहते हैं ना साच को आच नहीं। आप तरह तरह के शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन यकीन मानिए अगर आप ध्यान से सोचते हैं तो आपके अंदर जो परिवर्तन होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब भी आप किसी विशेष चीज के प्रति ध्यान आकर्षित करेंगे, अपने आप को ध्यान मग्न करेंगे तो आपके अंदर जो परिवर्तन होगा उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, हो सकता है आप अपनी फ्रस्ट्रेशन गाली के माध्यम से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें, परंतु मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हर उस बात को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ जो सत्य है, जिससे आपका जीवन बदल सकता है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है, जिसका कोई ना कोई प्रयोजन है, तभी आपके सामने उन वीडियो को प्रस्तुत किया गया है। मुझे यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, राजनीतिज्ञ मेरे बारे में क्या कहेंगे, नीति शास्त्र क्या सोच रहे होंगे। जो सच है वो मैं कहता रहूंगा, उसकी चाहे मुझे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई संशय है, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप एक बार खजुराहो अवश्य जाइए, आपके विचार स्वतः ही बदल जाएंगे। मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।